अब आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, सबसे पहले तो उसके अंदर हार्ट आ जाएगा, और आपको पता है ब्लड वेसल्स कौन सी हैं, आर्टरीज और वेन्स हैं हार्ट के अंदर। और उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आ जाएंगी और ब्लड आ जाएगा और हार्ट आ जाएगा, तीन चीज़ें आएंगी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग मेनली कंसिस्ट ऑफ हार्ट, ब्लड, ब्लड फ्लो करता है किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स टू टाइप्स की होती हैं, ब्लड वेसल कितने टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की, दैट इज आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज एंड वेन्स क्या हैं, टू टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन सी होती हैं, आर्टरीज और वेन्स होती हैं, ठीक है। अब आगे बात करें हार्ट के फंक्शनिंग की, हार्ट जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें, हार्ट जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कलेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ राइट एट्रियम एंड विद द हेल्प ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, वो बॉडी के हर एक पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को कलेक्ट करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा के थ्रू बॉडी को सप्लाई कर देता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे होता है, जब वो जो है डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल से उठता है, पल्मरी ट्रंक के थ्रू ऑक्सीजन लेके आता है ब्लड उसके अंदर, लंग्स के अंदर से पल्मरी वेन के थ्रू, वो ऑक्सीजनेट ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आती है हार्ट के, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करती है, एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेट ब्लड सप्लाई हो जाता है। तो हार्ट ही करता है ना ऑक्सीजनेट ब्लड को बॉडी को सप्लाई, वो पंप है जिसके थ्रू ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो बॉडी को सप्लाई हो जाता है। ये देखिए, द हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स, एक होती है सुपीरियर वेना केवा जो अपर बॉडी पार्ट जैसे ब्रेन के अंदर से कलेक्ट करेगी डीऑक्सीजनेट ब्लड को, फिर पंप इट टू लंग्स फॉर एनरिचिंग। अब ये जो है हार्ट जो है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में कलेक्ट कर लेता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, फिर वो ऊपर उठता है और पल्मरी ट्रंक के थ्रू लंग्स के अंदर से ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर एंटर करता है थ्रू पल्मरी वेन, ठीक है। एंड इट रिसीव प्यूरिफाइड ब्लड फ्रॉम लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू बॉडी पार्ट्स थ्रू एओर्टा, एओर्टा के थ्रू बॉडी को सप्लाई कर देता है ना। ब्लड का फंक्शन क्या है, अब ये देखो हम कह रहे हैं एओर्टा के थ्रू ब्लड जो है बॉडी को सप्लाई हो रहा है थ्रू द आर्टरीज, ये जो ब्लड जो है बॉडी के अंदर जा रहा है, तो ब्लड के का ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड बॉडी के अंदर जा रहा है तो उसका कोई फंक्शन है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सेल्स के अंदर से लेके आता है, लंग्स को सप्लाई कर देता है, डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हार्मोन्स को, नाइट्रोजनस वेस्ट, आपकी बॉडी के अंदर जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड जैसे यूरिया वगैरह उसको भी रिमूव करता है, किडनीज को दे देता है इम्प्योर ब्लड को, तो ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, ब्लड का। जो अच्छी चीज़ें हैं डाइजेस्टेड फूड को ब्लड को बॉडी को सप्लाई कर देना, सेल्स को सप्लाई कर देना, हार्मोन्स को, और गंदगी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया को वापस लेके आ जाना, डैट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेज एंड रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। मैंने पहले ही बताया हुआ है कि सेल्स के अंदर फूड की ब्रेकडाउन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। इट मीन्स ब्लड जो है हमें बीमारियों से भी बचाता है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, क्योंकि वो ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब फूड की ब्रेकडाउन होती है तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज विच इज यूज टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ब्लड वेसल्स का फंक्शन क्या है, ब्लड वेसल्स वो हैं जिनके अंदर ब्लड फ्लो करेगा। देखो ब्लड जो है हार्ट जो है पुशअप करता है ब्लड को, और वो ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के थ्रू एओर्टा के थ्रू वो बॉडी के अंदर सप्लाई हो जाएगा, एओर्टा के अंदर से आर्टरीज निकलेंगी, ये ब्लड वेसल्स निकलेंगी, ये फोर आर्टरीज निकलती हैं जो एओर्टा के थ्रू बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देती हैं, फोर आर्टरीज सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। और अगर हम बात करें ये जो ब्लड वेसल्स आर्टरीज हैं वेन्स हैं, अब आपको पता होगा कैपिलरीज क्या होती हैं, एक आर्टरी है ये बड़ी सी आर्टरी है, जब इसने बॉडी के सेल्स को सप्लाई करना होता है ना ब्लड, तब ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इन पार्ट्स को हम कैपिलरीज कहते हैं, क्या बोलते हैं, कैपिलरीज। अब ये कह रहा है कि ब्लड वेसल तीन तरह की, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, और ये जो है हार्ट के अंदर से ब्लड जो है ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के अंदर, और ब्लड वापस आता है हार्ट के अंदर वो भी ब्लड वेसल्स के थ्रू ही हार्ट के अंदर आता है। जो ऑक्सीजन ब्लड है वो बॉडी को सप्लाई होगा थ्रू आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज को के थ्रू बॉडी को सप्लाई हो जाएगा, और ये सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा ये लार्जेस्ट वेन्स हैं जिनके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के अंदर एंटर करता है। तो ब्लड वेसल्स जो हैं हार्ट के अंदर से ब्लड को ले जाती हैं और वापस भी करती हैं,
और ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स और नाइट्रोजनस बेस्ड जैसे यूरिया वगैरह को। हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट जो है प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट, डीऑक्सीजनेट ब्लड कलेक्ट करता है बॉडी टिश्यूज के अंदर से, और प्योर ब्लड कौन सा, ऑक्सीजनेट ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के टिश्यूज को। क्लियर।